मुझे अगर क्योंकि एल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट नो डाउट अभिषेक भी बहुत है, बट अगर मुझे जर्नी वॉइस देखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सर्वाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है. तो मुझे जर्नी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बट अगर एल्विस जीता है तो वो भी डिजर्विंग है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद की है. बट फिर अगर स्ट्रगल बोला जाएगा तो जो वाइल्ड कार्ड आते हैं उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है क्योंकि वहाँ एक एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है. कभी हाँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एल्विस को लेकर काफी आप लोगों ने कुछ बोला कि ही इज नॉट डिजर्विंग बिकॉज़ ही द वाइल्ड कार्ड. हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों के वो अच्छे फ्रेंड थे लेकिन आप लोगों ने कहा कि डिजर्विंग नहीं है. बट बात है कि अंदर अगर अभिषेक भी मेरा कितना भी जिगरी है, बट हम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नहीं यार यहाँ पे मेरे अपनी बहन भी होती, बट जब बात फेयर गेम का आता है क्योंकि वहाँ पे 60 दिन रहना, और जब हम वहाँ रहे, कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे झगड़े करते हैं तो एक पॉइंट पर आता है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है. तो वहाँ एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है. तो अगर देखा जाए तो एल्विस का जर्नी तो कहीं ना कहीं हाफ ऐसे ही, क्योंकि एक महीने में तो लोग वैसे ही एनर्जेटिक रहेगा, बट नो डाउट एल्विस का कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि उसको कोई देखेगा तो देखते रहेगा, मतलब वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है. तो वो जीतो और एल्विस मेरा दोस्त है तो हम खुश बहुत ज़्यादा हैं कि एल्विस जीता है. बट ऑब्वियसली बात, हम अभिषेक को फर्स्ट डे से वो स्ट्रगल करते देखते हुए आए हैं, तो अगर वो जीतता तो ऑब्वियसली बात है. बट अगर एल्विस जीता है और उसने कहीं ना कहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि 17 साल में कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड जीता है वो भी मेरा दोस्त. सो आई एम वेरी हैप्पी दोनों के लिए. मनीषा,